श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवान श्री हरि एवं श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देव विग्रह के श्री चरणों में दंडवत दीनता पूर्वक प्रणाम। सद्गुरुदेव के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हरिओम। कल माँ सरस्वती की आराधना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए हमने ज्ञान के मार्ग में जो अहंकार आदि बाधक हैं उनके निराकरण के लिए अब जो चरित्र है वो ऋषि मेधा सुना रहे हैं। अब जो मध्यम चरित्र था उसमें शोक और मोह को दूर करने के लिए आत्मशक्ति की उपासना का महत्व बताया गया। तो यहाँ पर देवताओं को सात्विक ज्ञान हुआ है। हमने देखा कि प्रथम चरित्र में देवताओं को देवी के पास पहुँचने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इस बार देवताओं को किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, वो सीधे माँ के पास पहुँच गए। उनको सात्विक ज्ञान हुआ है। गीता के अनुसार सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि सभी भूतों में जो उस परम तत्व का दर्शन करे तद् ज्ञानम सात्विकम विदुः। तो देवताओं को भी सात्विक ज्ञान हुआ है। इसका पता कैसे चले? तो पांचवें अध्याय में ही जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं, हम प्रायः उनका गान करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसे जो 23 श्लोक हैं, उन 23 यहाँ पर इन 23 श्लोकों को मातृगण नाम दिया गया है। तो 23 मातृगणों के द्वारा उन्होंने माता जी की स्तुति की है। तो उस श्लोक में यही तो कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, शांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण या कोई भी नाम से, लेकिन सर्वभूतों में जो माँ, जो शक्ति सभी भूतों में विराजित है, उन देवी को हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कहा है। तो कहने का तात्पर्य सब भूतों में उस परम चेतना का देवताओं ने दर्शन किया है। कहने का तात्पर्य देवताओं को सात्विक ज्ञान हुआ। और अब आगे जा कर के उत्तर चरित्र में वो ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञान के मार्ग में अब कोई अहंकार आदि बाधा न आए, इसके लिए ज्ञान तत्व को अब समझा रहे हैं। तो हमने कल महासरस्वती का ध्यान किया, आइए आज छठवें अध्याय का जो ध्यान है उसका हम गान करें। श्लोक आपकी स्क्रीन में है, आइए सब मिलकर के श्लोक का गान करें। ॐ नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो तंसोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिंतये।
कह रहे हैं नागाधीश्वर विश्वराम फणि फणो तंसोरु रत्नावली, जो नागों के आसन पर विराजित है और नागराजों के जो फन है वो फन मानो छत्र की तरह माँ के ऊपर उनकी शोभा में अभिवृद्धि कर रहे हैं। भास्वत देहलताम दिवाकर निभाम, उनके शरीर की अंग कांति सूर्य के समान तेजस्वी है। नेत्रत्रयोद्भासिताम, तीन नेत्रों से जो माँ शोभा पा रही है। माला कुंभ कपाल नीरज, नीरज यानी कमल, इन सबको जिन्होंने अपने हाथों से धारण किया हुआ है। और चंद्रार्ध चूड़ाम पराम, अर्धचंद्र को अपने मुकुट में धारण की हुई है, ऐसी माँ पद्मावती की हम सब चिंतन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और जो सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में विराजित हैं, वहाँ निवास करती हैं, ऐसी माँ पद्मावती का हम सब चिंतन करते हैं। माँ पद्मावती का यहाँ प्रणाम किया है। ये पद्मावती देवी, ऐसा सुना है कि पन्ना नाम का जो क्षेत्र है वहाँ पर पद्मावती नाम का एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध शक्ति पीठ है, जहाँ पर जो हमने पहले कथा सुनी कि सती के देहों को जब भगवान नारायण ने अलग अलग हिस्सों में टुकड़ों में बांट दिया, काट दिया, तब वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, शरीर के वो हिस्से जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ सिद्ध शक्ति पीठ हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि उसमें से ही एक सिद्ध पीठ पन्ना में है, जिसे पद्मावती शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हम सभी उन पद्मावती देवी को प्रणाम करते हैं। और इस अध्याय की कथा की ओर अगर हम दृष्टि करें, तो कल हमने कथा में सुना कि शुंभ निशुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को भेजा है, और वो दूत सुग्रीव अब इस अध्याय में शुंभ निशुंभ के पास आकर के और पूरा वृत्तांत कह सुनाता है। तो शुंभ और निशुंभ देवी के इन वचनों से कि भाई उन देवी ने कहा तुम आकर के मेरे साथ युद्ध करो, और युद्ध में अगर तुम मुझे जीत लोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी, ये जब संदेश सुना तो दोनों क्रोधित हुए हैं। और क्रोधित होकर के हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्य परिवारितः, हे धूम्रलोचन, जो उनका दैत्य सेनापति है, धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि अपनी सेना के सहित जा कर के और उस स्त्री को केश से पकड़कर और घसीटते हुए यहाँ ले आओ। धूम्रलोचन अपनी 60,000 असुरों की सेना को लेकर के और देवी के सामने आकर के और ललकार रहा है देवी को, और कह रहा है कि जल्दी से तू शुंभ निशुंभ के पास चल, नहीं तो मैं तुझे बलपूर्वक घसीटता हुआ उनके सामने ले जाऊंगा। अब देवी ने भी सोचा कि चलो इसे भी आनंदित होने दो, कहने लगी कि तुम्हें स्वयं दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं इतने बलशाली हो और साथ में इतनी विशाल सेना को लेकर के आए हो, तो मैं अकेली स्त्री तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। तो इतना सुनते ही और वेगपूर्वक वो असुर धूम्रलोचन दौड़ा है कि अभी इसे पकड़ के और ले जाऊं, लेकिन थोड़ी देर में ही देवी ने बस हुंकार मात्र किया, हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका, ततः हुंकार किया और हुंकार मात्र से उस दैत्य का वध कर दिया। अब सारी सेना जो थी वो देवी को मारने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ी, लेकिन यहाँ पर जो देवी का वाहन है सिंह, उस सिंह ने ही पपात आसुर सेनायाम सिंहो देव्या स्ववाहन, उस सिंह ने ही थोड़ी देर में पूरी आसुरी सेना को नष्ट कर डाला, किसी का मस्तक काट दिया, किसी का पेट फाड़ करके उसके पेट के अंदर से खून को पी लिया, और इस तरह से पूरी सेना को थोड़ी देर में सिंह ने ही नष्ट कर दिया। अब ये सब समाचार शुंभ निशुंभ को मिला तो शुंभ निशुंभ और क्रोधित हुआ है और अपने चंड मुंड को, हे चंड हे मुंड बलेर बहु भी परिवारित, अपनी बलशाली लेकर सेना को लेकर के जाओ और उस देवी को बलपूर्वक पकड़ करके यहाँ लाओ। यहाँ तक की जो कथा है वो छठवें अध्याय में है। अब देखिए धूम्रलोचन के वध की कथा है। ये धूम्रलोचन यानी धूम्र वर्ण के जिसके लोचन है,
तो धूम्र यानी थोड़े लाल 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 आंखें किसकी होती है? बोले जो क्रोध करता है उसकी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये धूम्र लोचन ये क्रोध का रूप है, लेकिन क्रोध को वो आत्मशक्ति या वो सात्विक ज्ञान ऐसे क्षण भर में हुंकार से ही नष्ट कर देता है। हमारे अंदर क्रोध हो, लेकिन अगर हमारे अंदर सात्विक ज्ञान की अभिवृद्धि होगी या फिर आत्मशक्ति पूर्णतया विकसित हो जाएगी, तो हम सभी भूतों में अगर उसी परम तत्व का दर्शन करने लगे तो फिर क्रोध तो रहेगा ही कैसे? तो धूम्रलोचन का हुंकार मात्र से इस भस्म हो जाना यह संकेत है। अब यहाँ पर सिंह ने पूरी आसुरी सेना को नष्ट किया, यह सिंह कौन है? माता जी का ये जो सिंह है वो धर्म का प्रतीक है। आगे जो रहस्य दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं वहां पर बताया गया है कि ये सिंह धर्म का स्वरूप है। तो धर्म, अगर जी हम अपने जीवन को धर्म पूर्वक जिए तो हमारे अंदर के कई आसुरी वृत्तियों को तो हम क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। तो ये इस कथा का, इस चरित्र का भाव है। इन भावों को माँ के चरणों में समर्पित करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम।